श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक ऐसा विषय जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है, वशीकरण का। वशीकरण और धन लाभ दो ऐसे विषय हैं जिस पर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज होते हैं, और जो मूलभूत ज्ञान का विषय रहता है उसको बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ाने के लिए। तो एक वीडियो आपके मन का भी आज। वशीकरण इत्र ऐसे तो इस्लामिक तंत्र का भाग है, लेकिन जो बंगाल में तंत्र हुआ, जो आसाम में तंत्र हुआ, जो कामाख्या तंत्र बोलते हैं उसमें, और जो नाथों का तंत्र है उसमें धर्म का भेद नहीं रहा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लोना चमारीन जो थी, उनके गुरु इस्माइल जोगी और उनके गुरु जलेंद्रनाथ जी, तो बहुत सारा जो इस्लामिक तंत्र था उसका कुछ कुछ भाग लेकर के फिर जो हमारा साबर तंत्र है उसमें जोड़ा गया। हमारा जो मूल विद्या है उसमें वशीकरण के लिए तिलक आता है या फिर भोजन के माध्यम से वशीकरण किया जाता है, लेकिन इत्र का जो भाव था वो बहुत बाद में हमारे साबर मंत्र विद्या में आया। ठीक है, इत्र का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इत्र का मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। जब आप इत्र लगाते हैं तो जिस भी सुगंध को आप लगाते हैं वो आपके ऑरा में मिल जाता है और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आज जो हम साधना करने जा रहे हैं इसमें माँ तारा की पूजा की जाती है। आपको इसमें कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी पूजा का व्यवस्था नहीं करना है। आपको एक अच्छी शीशी चाहिए, इत्र वाली एक सुंदर सी शीशी लेंगे, ठीक है, और उसमें अपने मन चाहा इत्र भर लेंगे। बहुत लोग इस प्रयोग में इत्र बाद में भरते हैं, ठीक है, पहले बोतल को ही सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुभव है उसमें आपको इत्र भर के ही इसकी साधना शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे इत्र का शीशी लीजिए और जो मैं अभी आपको मंत्र बताऊंगा उसका 108 बार जाप करके इस शीशी में आप फूकेंगे, ठीक है। ऐसा एक दिन में आप 10 बार कर सकते हैं, 108 का एक माला काले हकीक पे, और ऐसा 10 माला ही आप एक दिन में जाप करके उसमें फूक मार सकते हैं। मतलब एक दिन में उस शीशी में आप 10 बार फूक मारेंगे। अगर सही साधक होंगे, सही आपकी साधना होगी, तो वो जो अंदर का इत्र है वो आपको गोल घूमता हुआ दिखेगा। इस मंत्र के सिद्ध होने का यही लक्षण होता है। अगर ये मंत्र सिद्ध हो गया तो जैसे आप 10 बार फूक मार करके और उसके बाद इत्र को देखोगे तो इत्र बोतल के अंदर घूमता हुआ नजर आता है, ठीक है। अच्छा, इस वशीकरण का जो प्रयोग है आप तब ही कर सकते हैं जब आपकी भावना सही होगी। किसी गलत प्रयोग के लिए, जैसे हमें बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरी तरफ नहीं देखती, इसको आप मेरे वश में कर दो, तो वशीकरण कभी भी किसी के मन को तोड़ने के लिए नहीं होता है, या गलत भाव या गलत भावना वाले कार्य के लिए नहीं होता। वशीकरण का सिर्फ एक मतलब होता है कि जो आपके सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे मोहित रहेगा, मतलब आपके बात को काटेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे विषयों के लिए अगर आप इसका काम करेंगे तभी ये उपयोगी होगा, वरना ये इत्र जो है प्रभावशाली नहीं है। ऐसे इसके तांत्रोक्तर विधि में दिया हुआ है। आपको लगेगा गुरु जी ऐसा बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो तांत्रोक्तर विधि है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी साधना आपको शुक्रवार को करनी है, शुक्रवार को सुबह में सूर्योदय से पहले आपको ये कर्म कर लेना है। आज तक जिसने भी ये किया, जिसका सिद्ध हुआ है, ये इत्र हमेशा उसके लिए कारगर है। मंत्र सुनिए, 3 बार बोलूंगा। सत नमो आदेश, ओम गुरु जी, भौमा निशाग्रे आचरे आचरे, दृष्टि मन बंधन होबे, दुहाई
उन गुरु की दुहाई मा तारा शरणागत। ठीक है, ये जो मैं अभी उच्चारण कर रहा हूं, इस उच्चारण में कोई भी आप खुद से फेरबदल नहीं करेंगे। जैसा आपको उच्चारण बता रहा हूं वैसा ही इसका उच्चारण करना है। जैसे लास्ट में शरणागत गत, तो शरणागत ही पढ़ेंगे। सत नमो आदेश ओम गुरु जी, भौमा निशाग्रे आचरे आचरे दृष्टि मन बंधन होवे, दुहाई उन गुरु की दुहाई मा तारा शरणागत। अंतिम बार सुनिए, सत नमो आदेश ओम गुरु जी, भौमा निशाग्रे आचरे आचरे दृष्टि मन बंधन होवे, दुहाई उन गुरु की दुहाई मा तारा शरणागत। ये साधना मुझे एक बहुत ही आम औघड़ ने दिया था, जिसको वशीकरण को भी जब उसको लिखने बोला था तो उसने विषकरण लिख के मुझे दिया था। ठीक है, लेकिन जो पढ़ के उसने मंत्र बताया था उसी हिसाब से मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। तो शुक्रवार की सुबह में सूर्योदय से पहले इसका जाप करके 108 बार फूंक करके उसको तैयार करेंगे। तैयार उसको तब तक करेंगे जब तक उसके अंदर में इत्र घूमने ना लगे। जब तक नहीं इत्र घूम रहा है मतलब इत्र सिद्ध नहीं हुआ, उसके आप प्रयोग करने की भी कोशिश करेंगे तो उसका कोई फल नहीं निकलेगा। एक बार ये हो जाता है तो आप इत्र को स्वयं में लगाए या किसी पुष्प पे लगाए या किसी कपड़े पे लगा करके जिसको भी वशीभूत करना है उसके हाथ में दे दे। वो सिर्फ इस इत्र का गंध उसके नाक में जाना चाहिए, जैसे ही नाक में गंध जाएगा वो आपके वश में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो आगामी विषय है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र बनाना, सुरक्षा करना, सुरक्षा घेरा लगाना। मेरा लिखा हुआ आपको पोस्ट या आगामी कार्यक्रम जानना है तो www.agurtantra.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माता रा आप सभी को आकर्षक बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।